शैशवावस्था एवं प्रतिवर्त क्रियाएं रिफ्लेक्सेस। कुछ प्रमुख क्रियाएं रूटिंग है, जैसे मोरो है, पकड़ना है और बेबिंस्की है। तो ये क्रियाएं कब होती हैं और इसमें क्या क्या होता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहली क्रिया आती है रूटिंग। रूटिंग जो होती है वो 3 माह से 6 माह के बीच में होती है, और ये जो होती है वो गाल को स्पर्श करने पर बालक जो सिर घुमाता है और मुख खोलने लगता है। तो ये जो क्रिया है बालक की, गाल को स्पर्श करने पर सिर घुमाना और मुख खोलना, ये रूटिंग कहलाती है, और ये 3 माह से 6 माह का बालक करता है। इसके बाद में समाप्त हो जाती है। फिर एक होती है मोरो। मोरो 6 से 7 माह तक की आयु में होता है, और आवाज़ की प्रतिक्रिया जीवन पर्यंत होती है। इसमें क्या होता है, तेज़ आवाज़ के साथ बालक अपनी कमर को मोड़ते हुए हाथ को आगे बढ़ाता है, जैसे कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। फिर आती है पकड़ना। इसमें बच्चे की हथेली पर अंगुली, पेंसिल, पेन, खिलौना आदि रखते हैं और वह उसे पकड़ता है। यह भी 3 या 4 माह में विलुप्त हो जाती है। फिर आती है बेबिंस की। बेबिंस की में क्या होता है, बालक के तलवे को स्पर्श करने पर वह पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे करता है, वो मोड़ता है। यह 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाती हैं। तो ये बालक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्ती क्रियाएं हैं, जिससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।